बंगाल टाइगर का तो नाम आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको बताएंगे बंगाल की शेरनी के बारे में। जी हाँ, ममता बैनर्जी, जिसे बड़े सम्मान से लोग दीदी कह के बुलाते हैं। 15 साल की ही उम्र से राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने वाली ममता बैनर्जी, जिन्हें लोग बड़े ही सम्मान से दीदी भी कहते हैं। ममता बैनर्जी केंद्र में 2 बार रेल मंत्री रह चुकी हैं और वो देश की पहली महिला रेल मंत्री भी बनी। ममता बैनर्जी पश्चिम बंगाल में 3री बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। दीदी राजनीतिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख भी हैं। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में जन्म लेने वाली ममता केंद्र में 2 बार रेल मंत्री के अलावा केंद्र सरकार में कोयला मंत्री, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, युवा मामलों और खेल के साथ ही महिला व बाल विकास की राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। 2011 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में 34 वर्ष से सत्ता पर काबिज वामपंथी मोर्चे का सफाया किया, जिसके बाद 2012 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने उन्हें विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। ममता बनर्जी अपने स्कूली दिनों में राजनीति से जुड़ी हुई थी। 70 के दशक में जब वे कॉलेज में पढ़ रही थी, उन्हें राज्य महिला कांग्रेस की महासचिव बनाया गया। ममता के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और जब वह बहुत छोटी थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि गरीबी के दिनों में संघर्ष करते हुए उन्हें अपनी माँ के साथ दूध बेचने का काम भी करना पड़ा। उनके लिए अपने छोटे भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी थी। अब बात करते हैं ममता बैनर्जी की पढ़ाई लिखाई के बारे में। ममता बैनर्जी ने कोलकाता से इतिहास में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने इस्लामिक इतिहास में मास्टर की डिग्री भी लिया। श्री शिक्षायतन कॉलेज से उन्होंने बीएड की डिग्री भी ली। इतना ही नहीं, कोलकाता के एक लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की। अब इतनी हाई क्वालिफाइड नेत्री को राजनीतिक अखाड़े में हल्के में लेना भारी तो पड़ेगा ही। चलिए बात कर लेते हैं राजनीतिक एंट्री की। कब राजनीतिक एंट्री की? आपको बता दें कि दीदी की सक्रिय राजनीतिक सफ़र 1970 में शुरू हुआ, जब वे कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता बनी। 1976 से 1980 तक वे महिला कांग्रेस की महासचिव भी रहीं। 1984 में ममता ने सीपीएम के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर लोकसभा सीट से हराया और देश की सबसे युवा सांसद बन गई, और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद ममता बनर्जी को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव बनाया गया, लेकिन 1989 में कांग्रेस विरोधी लहर के कारण जादवपुर लोकसभा सीट से ममता दीदी मालिनी भट्टाचार्य से हार गई। हालांकि 1991 चुनाव में उन्होंने कोलकाता दक्षिणी संसदीय सीट से फिर से जीत हासिल कर लिया। सीपीएम के बिल्पव दास गुप्ता को पराजित करने के बाद वह 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 में इसी संसदीय सीट से लगातार निर्वाचित होते हैं। 1991 में ममता नरसिम्हा राव सरकार में मानव संसाधन विकास, युवा मामले और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री बनाई गई। वह नरसिम्हा राव सरकार में खेल मंत्री भी बनाई गई। 1991 में खेल मंत्री के तौर पर उन्होंने देश में खेलों की दशा सुधारने को लेकर सरकार से मतभेद होने पर इस्तीफा देने की घोषणा तक कर दी थी। इस वजह से 1993 में उन्हें इस मंत्रालय से छुट्टी दे दी गई थी। ममता दीदी की जीवन शैली की बात करें तो अब तक के राजनीतिक जीवन में ममता दीदी ने सादा जीवन शैली ही अपनाई है। वे हमेशा से ही परंपरागत बंगाली सूती की साड़ी पहनती हैं। उन्हें कभी कोई आभूषण या श्रृंगार प्रसाधन का इस्तेमाल करते नहीं देखा गया है। यहाँ तक कि वह हमेशा हवाई चप्पल ही पहनती हैं। उनके कंधे पर आमतौर पर एक सूती थैला भी नज़र आता है, जो उनकी एक पहचान है। वे अपने जीवन में अविवाहित रहे हैं, कभी उन्होंने शादी नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा समय जनता की सेवा में लगा दिया। अब आपको बताते हैं कांग्रेस से मनमुटाव कैसे हुआ इनका और तृणमूल पार्टी का जन्म कैसे हुआ। अप्रैल 1996-97 में उन्होंने कांग्रेस पर बंगाल में सीपीएम की कठपुतली होने का आरोप लगाया और 1997 में कांग्रेस से अलग हो गई। इनके अगले साल ही 1 जनवरी 1998 को उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई। वह पार्टी की अध्यक्ष भी बनी। 1998 के लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी महज 8 सीटें ही जीत पाई। 1999 में इनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में बनी एनडीए गठबंधन वाली सरकार के साथ शामिल हो गई
और उन्हें रेल मंत्री बना दिया। 2002 में उन्होंने अपना पहला रेल बजट पेश किया और इसमें बंगाल को सबसे ज़्यादा सुविधाएं दी। वर्ष 2001 में तहलका खुलासे के बाद ममता ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया, लेकिन जनवरी 2004 में वे फिर से एनडीए सरकार में शामिल हो गई। मई 2004 के आम चुनाव में पार्टी की ओर से केवल ममता ही चुनाव जीत। इस बार कोयला और खान मंत्री बनाया गया। 20 अक्टूबर 2005 को उन्होंने राज्य की बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन हासिल किए जाने का विरोध किया। नवंबर 2006 में ममता को सिंगूर में टाटा मोटर्स की प्रस्तावित कार परियोजना स्थल पर जाने से जबरन रोका गया। इसके विरोध में उनकी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया और हड़ताल भी किया। 2006 में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के आधे से अधिक विधायक चुनाव में हार गए। साल 2009 के आम चुनाव से पहले ममता ने फिर एक बार यूपीए से नाता जोड़ लिया। इस बार गठबंधन को 26 सीटें मिली और ममता फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो। उन्हें दूसरी बार रेल मंत्री बना दिया गया। 2010 के नगरीय चुनाव में तृणमूल ने फिर एक बार कोलकाता नगर निगम पर कब्जा कर लिया। साल 2011 में टीएमसी ने मां माटी मानुष के नारे के साथ विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। ममता की पार्टी ने राज्य विधानसभा की 295 सीटों में से 184 पर जीत हासिल किया। ममता राज्य की मुख्यमंत्री बनी और 34 वर्षों तक बंगाल की सत्ता चलाने वाली वामपंथी मोर्चा का सफाया हो गया। केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर अपनी पैठ जमाने के बाद ममता ने 18 सितंबर 2012 को यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद नंदीग्राम में हिंसा की घटना हुई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज जिसको कहते हैं, विकसित करने के लिए गांव वालों की जमीन ली जानी थी। माओवादियों की के साथ मिलकर गांव वाले पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, जिसमें गांव वालों और पुलिस वालों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ और 14 लोगों की मौत हुई। इस पर ममता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री शिवराज पाटिल से कहा कि बंगाल में सीपीएम समर्थकों की हिंसक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। बाद में जब राज्य सरकार ने परियोजना को समाप्त कर दिया तब जाकर हिंसक विरोध थमा, लेकिन इस दौरान केंद्र और कांग्रेस से उनके मतभेद शुरू हो गए। इस बार 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने जिस तरह से भाजपा और उनकी पूरी कैबिनेट को बंगाल में शिकस्त दिया है, उससे उनका कद और भी ऊंचा हो गया और एक बार फिर से प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ममता बनर्जी एक राजनीतिक होने के साथ साथ एक कवित्री भी हैं और पेंटर भी। कई बार उन्हें पेंटिंग करते देखा गया है। इस बार के चुनाव में जब चुनाव आयोग ने दीदी पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया था तो दीदी दिन भर अकेली बैठकर पेंटिंग करती रही और पूरा मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ममता दीदी का आज का ये स्पेशल एपिसोड जो द BITN के साथ मैंने प्रस्तुत किया, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।